परम गुहा एकादश द्वार को वाणी और वेद की भाषा में स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, वाणी में परम गुहा या एकादश द्वार का कहीं कुछ वर्णन नहीं हुआ है। वेद की भाषा में मैंने स्पष्ट ही कर दिया, अथर्ववेद में वर्णन है, यजुर्वेद में वर्णन है, सब में है। तत् पश्यत निहिता इत गुहायाम, पश्यत ये निहितम गुहायाम। वेद कहता है कहीं भी जाएंगे तो केवल परम गुहा में ही ब्रह्म के दर्शन का वर्णन है। वेदांत दर्शन में, उपनिषदों में, मुंडक उपनिषद में भी वर्णन है, कठोपनिषद में भी वर्णन है, और अथर्ववेद में वर्णन है, यजुर्वेद में वर्णन है, सब में केवल परम गुहा में ही ब्रह्म के दर्शन का वर्णन आएगा। परम धाम की वाणी अवतरित हुई है ब्रह्म सृष्टियों के लिए, इसलिए परम गुहा का कोई वाणी में वर्णन नहीं है। सीधे राज्य के स्वरूप में धारणा करनी है, क्योंकि हमारी आत्मा के साथ राज्य का अटूट संबंध है, इसलिए हृदय में जैसे जैसे धारणा करेंगे राज्य का के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, और वो उस प्रेम में जब आप स्वयं को भूल जाएंगे, शरीर से परे हो जाएंगे, मन से, चित्त से, बुद्धि से, जीव से परे हो जाएंगे, केवल परात्म का श्रृंगार लेकर परात्म की भावना में राज्य को देखने का प्रयास करेंगे, तो राज्य की कृपा दृष्टि किसी भी क्षण आपको राज्य का दीदार हो सकता है। ये राज्य के ऊपर छोड़िए, आपको केवल अटूट विश्वास लेकर राज्य के प्रेम में डूबना है। आपको एक एकादश द्वार या परम गुहा में प्रवेश करने की चिंता नहीं करनी है। आपके लिए तो बनी बनाई खीर राज्य ने सौंप दी है। अब आपको धान नहीं उगाना है, गाय नहीं पालना है, शक्कर खरीद कर नहीं लानी है, चूल्हा नहीं जलाना है, केवल खाने के लिए अपने हाथ को उठा देना है।